सर वही है जो आप बात कर रहे थे, तो वॉलेटिलिटी यूएस की काफी भरपूर है। अब डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हो गए हैं, बट एनीवन्स गेस कि आज शाम को क्या होगा। नैसडैक फ्यूचर्स ऊपर से थोड़ा फिसलते हुए दिखे हैं। आज यूरोप के बाजार भी मजबूत हैं, 1 से 1.5% की गिरावट आ रही है। कच्चा तेल $90 के करीब है, डॉलर इंडेक्स 6-18 महीने की आप ऊंचाई बताओ पर। मतलब क्या करके जाए, इनमें नोटा ले रहा हूँ नोट कि है मैंने कभी अच्छा पूछी। जाने दो हाँ, सब कुछ आप बता बोले कि अगर आपको नोटा ही बोलना था तो इतना तो सब कुछ इतना सब है क्यों लिया, ना। कहानी क्यों हाँ, सुनाई मतलब इतना मेरे से मेहनती क्यों कर रही। तुमको अगर ये ऑब्जेक्शन लो उससे पहले मेरा नोट है, और अंडरस्टूड नोटा सर। इसलिए दीप दो बजे, जी एक तो है ना, ये ना डाउ फीचर समझ में आ रहा है ना डाउ हाँ समझ में आ रहा है, बहुत ऊपर नीचे बहुत ऊपर। दो, मेरा व्यू ये है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, जी ये भले थोड़ा सुस्त दिख रहा हो आपको, डाउ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इनफैक्ट अच्छा है ना, रोज 200 पॉइंट ऊपर दिखता है फिर हाँ गिरकर बंद होता है, आज कुछ नहीं दिखा रहे तो हाँ शायद तो ऊपर ही हो पड़ा जाए, हो। ऊपर हो जाए तो हो जाए, बट कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं ना, ये तो जी अंदाज लगाने वाली बात है। सही बात है, उछालना है, कॉन्फिडेंस इधर हो गया तो है। इधर उधर हो गया, मतलब उतना ही है, करेक्ट इससे सर, ज्यादा कोई उसमें करेक्ट एक्सपर्टाइज नहीं है। जी सो इसलिए बेहतर है कि हम सोमवार सुबह देखेंगे करेक्ट। कौन सा क्या, मतलब ऐसा जय खुद ही बोल रहे 1% ऊपर 1% नीचे से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, तो अभी क्यों फालतू में ओवरनाइट रिस्क आप वीकेंड की रखो। करेक्ट सर, हालांकि आशीष ने ऑलरेडी बता दिया ये रशिया यूक्रेन वो संभाल रहे हैं, संभाल कोई दिक्कत है नहीं, रहे हैं। ठीक है। बाकी और कहां दिक्कत थी जिसका नाम ले रहे थे लोग, चाइना और ताइवान, वो ताइवान, तो लोग भूल ताइवान ही गए, वापस बात 50 भी नहीं साल है, की प्रॉब्लम है गिरते उस सर। दिन याद आते हैं सारे के सारे। उस करेक्ट दिन आज कोई बोलता भी नहीं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडेक्स टैक्स आ रहा है, सोचो करेक्ट, उस दिन उस चाइना एक ताइवान भी दिन लड़ उसी रहे थे, दिन आया, उसके बाद एक ही कुछ दिन आया नहीं। बस उसी दिन, गिरते ही मतलब ऐसा आता है कि मतलब पूछो मत, ऐसे ही है, चलो छोड़ो वो जान दो। तो जी हम एक काम करेंगे, जी सोमवार का इंतजार क्यों, उसकी 2 बजे दी पहले। अगर मैं खरीदारी की राय दे भी सकता था कि यूएस इतना खराब नहीं लग रहा तो एक खरीदारी करके जाए, लेकिन क्यों नहीं दे रहा, उसकी 2 बजे है। पहला, इस फॉल की सबसे नीचे वाली क्लोजिंग दे रहे हैं, 17,110 कल बंद हुआ था, आज उससे भी नीचे बंद होने या उसके आसपास बंद होने के संकेत आ रहे हैं, तो क्लोजिंग हमारी बहुत अच्छी तो नहीं होगी, कम से कम 17,150 के ऊपर तो होती तो बढ़िया था। दूसरा, आज क्लोजिंग में बैंक निफ्टी ने भी लीडरशिप नहीं दिखाई है, यस थोड़ा ढीला हुआ, आज प्रॉफिट सर। बुकिंग अच्छी आई है, सो इसलिए फिर कल देखेंगे। फिलहाल को अगर आपकी पोजीशन है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर कोई भी, तो आप उसको प्रॉपर हेज कर लें ताकि वो ध्यान में रहे, और जहां आपको प्रॉफिट आ रहा है थोड़ी बुक कर लें, मंडे फ्रेश देखेंगे सोचेंगे। मंडे फ्रेश नोटा, ठीक है सर। तो चलिए बाजार पर तो है नोटा, और जय भी कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज्यादा नजर रखना जरूरी है। आइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात निकली है तो यूनाइटेड ब्रूरीज, इस पर भी डाल देते हैं नजर, आने वाले हैं नतीजे। आशीष बताएं कैसे रहेंगे नतीजे। दीपांशु, नतीजे तो बढ़िया है लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर जो दिक्कत है बरकरार देखने को मिलेगी। मार्जिन्स पिछले साल करीब 15% के रिपोर्ट किए थे, इस बार 13% करेगा, क्योंकि बारले और ग्लास दोनों की कीमतें जो है पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ी हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और सीजनली भी अगर आप देखें तो ये कंपनी के लिए बेटर क्वार्टर होता नहीं है, बिक्री इतनी खास नहीं होती है। आय में फिर भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा 28% का इजाफा देखने को मिलेगा, कामकाजी मुनाफा 12% बढ़ेगा, मुनाफा भी अगर आप देखें तो 72 करोड़ से करीब 117 करोड़, लेकिन मार्जिन यहाँ पर दिक्कत जरूर है, 15% से घटकर 13%। आगे की कमेंट्री कैसी होती है, खासतौर पर रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर, इस पर नजर रहेगी, मार्जिन कमजोर आएंगे। मार्जिन कमजोर आएंगे तो सेम स्टोरी अक्रॉस द बोर्ड आपको बनती हुई दिख रही है, मार्जिन कमजोर आने वाले हैं। बंसल जी कोई राय यूनाइटेड ब्रूरीज के चार्ट पर? अगेन काफी एक्साइटमेंट हुआ था, 1800 तक गया था ये स्टॉक, अब वापस 1550 के करीब मिल रहा है, कोई राय? दीपांशु, नीचे में 1490-1495 एक अच्छा सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि चाहे नतीजे खराब आए चाहे मार्जिन वीक आए, नीचे के लेवल्स नहीं टूटेंगे। तो अगर वीकनेस में स्टॉक नीचे की तरफ मिलता है, 1515-1510 के अराउंड मिलता है, 1510-1515 के अराउंड मिलता है, तो उन स्तरों के अराउंड 1490 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय होगी यूबीएल। यूबीएल है वो स्टॉक जहां पर इंडसइंड बैंक भी आज ही आ रहे हैं,